हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्टन सुपर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, सुबह को आप जब खोले होंगे अपने गेम को तो आपको दो चीज़ देखने को मिला होगा। एक है पैच नोट, दूसरा है आरपी लॉक। तो आरपी लॉक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो। सो अभी हम लोग बात करेंगे 0.14.5 का पैच नोट क्या क्या चीज़ आने वाला है। ज़्यादा कुछ तो आने वाला नहीं है, बट फिर भी बहुत चीज़ आने वाला जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इवन उसके साथ साथ बहुत सारा रॉयल पास का जो आउटफिट है उसका गेम प्ले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जितना भी गेम प्ले और लिंक्स आप ये वीडियो में देखने वाले वो मुझे प्रियांग गेमिंग ने प्रोवाइड किया है। तो उनका चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, पैच नोट हम लोग को स्टार्टिंग पेज में देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल का। तो इधर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ ये जो अपडेट है 12 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रीज़न बाय रीज़न मिलता है जैसे कि आपको पता होगा। तो सबको एक बार में नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। 12 सितंबर तक इतना कन्फर्म हो जाएगा सबका डिवाइस में आ जाएगा। तो अगर आपको दोपहर तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शाम तक रात तक गारंटी है मिल जाएगा। और ये अपडेट जो है ये आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल अपडेट है, मेजर अपडेट तो नहीं है। तो नॉर्मल अपडेट का जो MB होगा 124 MB का एंड्रॉयड में आपको देखने को मिलेगा अपडेट, और iOS डिवाइस है तो 140 MB का आपको देखने को मिलेगा अपडेट। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताता कि 0.14.5 का अपडेट में आपको कोई न्यू गन्स, न्यू व्हीकल्स तो देखने को नहीं मिलेगा, वो तो आपको 0.15.0 मिलेगा। बट इसमें जो मेन फोकस दिया जाएगा वो होगा आपका रॉयल पास सीजन 9, और इसमें उससे रिलेटेड कुछ पैच नोट आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, और एक चीज़ में लिखा हुआ, प्लेयर ऑन द डिफरेंट वर्जन कैन नॉट इन्वाइट ऑन अनदर, सो प्लीज़ अपडेट एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे कि मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताया कि अगर आपका फ्रेंड अपडेट करता है, आप अपडेट नहीं करते, तो आप एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते, दोनों का वर्जन अलग हो जाएगा। सो ऑन वाइस वर्सा, मतलब अगर आप भी अपडेट कर लेते तो आपका फ्रेंड अपडेट नहीं करता तो आप तो एक दूसरे को खेल नहीं पाएंगे, तो दोनों का वर्जन सेम रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो दोनों अपडेट कीजिए, अगर अपडेट नहीं करना चाहते दोनों मत अपडेट कीजिए, तब जाके आप एक दूसरे के साथ टीम बना के खेल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अपडेट रिवॉर्ड ये है कि अगर आप 12 सितंबर से लेकर, जो कि आज है, 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक पैराशूट ट्रेल मिलेगा जो कि आपका अपडेट रिवॉर्ड होगा। और उसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं जो मेन चीज आने वाला वो है रॉयल पास सीजन 9। और जैसे कि आपको पता होगा सीजन 9 का जो थीम होने वाला है वॉरियर यूनाइट। तो आपने ओवरऑल सब कुछ लिंक्स देख लिया, तो कुछ कुछ लिंक्स आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहला चीज ऐड किया गया वो है आपके रॉयल पास में ही ऐड किया गया, वो है एडेड अ टाइमर दैट शोस काउंटडाउन टू द न्यू सीजन। तो बेसिकली आपको पता होगा इससे पहले वाला अपडेट में आपको केवल जो रॉयल पास खत्म होने का डेट वो दिखता था, बट कोई भी काउंटडाउन नहीं दिखता था। वो पबजी पीसी और पबजी पीसी लाइट में दिखता है काउंटडाउन, बट पबजी मोबाइल में नहीं दिखता था। अब से आपको काउंटडाउन में दिखेगा। काउंटडाउन दिखने से ये होगा कि आपको पता चल जाए कितना दिन बचा हुआ है रॉयल पास खत्म होने में, और उसी के हिसाब से आप अपना मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 56 डेज, 28 डेज, 25 डेज रिमेनिंग, ऐसे करके कुछ दिखेगा आपको। तो वो चीज़ ऐड किया गया ये रॉयल पास में। सेकेंड जो चीज़ आया है वो है आस्क योर फ्रेंड फॉर अ पास अंटिल 7 डेज बिफोर द सीजन स्टार्ट। तो बेसिकली इसमें करना है कि जैसे कल रॉयल पास आएगा तो आपको 7 दिन टाइम मिलेगा, आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रॉयल पास, वो आपके लिए खरीद के देगा या आपको गिफ्ट करेगा। तो वो वाला रिक्वेस्ट वाला केवल बटन 7 दिन के रहेगा, उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी से रॉयल पास मांगना है, किसी को देना है, तो आपको कल से लेकर 7 दिन का अंदर ही आपको रॉयल पास दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो वो आप समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप देख पा रहे हैं, अपग्रेड रॉयल पास टू गेट कस्टमाइज शेयरिंग पेज। तो इसमें जैसे आप रॉयल पास अपग्रेड करेंगे तो एक कस्टमाइज शेयरिंग पेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि शायद रॉयल पास जो अपग्रेड करेगा उन लोग के लिए ही होने वाला है, और जो रॉयल पास नहीं करेंगे उन लोग के लिए नहीं होगा। तो ये चीज़ जब ग्लोबली लॉन्च होगा तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए कि कैसे होगा। जैसे मैं अपग्रेड करके दिखाऊंगा तो उसका दो वाला पेज तो ऑन ही हो जाएगा, तो मैं आपको एक डिटेल बता दूंगा। तो चौथा चीज़ आप देख पा रहे, इसमें लिखा हुआ मिशन एंड रैंकिंग पेज रीडिजाइन। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं लिंक्स में भी दिखाया था, जो मिशन वाला टैब था और रैंकिंग वाला टैब था, उसमें जो इमेज में दिखाया था उसमें मैं आपको बताया था कि जो लुक था या फॉन्ट था उसको बदल दिया गया, ऑप्टिमाइज़ किया गया, तो अभी जो आरपी पॉइंट है वो देखने में और भी अच्छा लग रहा था। तो वो लिंक अभी तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, मेरे चैनल में गिरा हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे अदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को, मेरा ऐड वीकली मिशन क्रिएट रिमाइंडर, एक रिमाइंडर दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि वीकली मिशन जो क्रिएट होता है जिसमें आपको 200 आरपी मिलता है, तो वही वाला शायद उसको आपको दिखाएगा, कुछ रिमाइंडर रहेगा कि इतना दिन बचा हुआ, आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, वैसे कुछ आने वाला है। सेकेंड चीज़ आप देख पा रहे, इसमें लिखा हुआ अचीवमेंट चेन प्रोग्रेस नाउ अवेलेबल। तो ये जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि इसमें कुछ चेन सिस्टम आया है जिसमें आपको अचीवमेंट दिखाएगा, तो वो जब आएगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थर्ड जो चीज़ आप देख पा रहे, इसमें लिखा हुआ लॉबी नाउ डज नॉट शो एक्सपायरी व्हीकल। तो जैसे कि आपको पता होगा व्हीकल का स्किन मिलता है, और तो कुछ कुछ व्हीकल का स्किन आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, तो
पहले क्या होता था, जैसे ही स्किन लगाते थे और आपका जो स्किन एक्सपायर होने के बाद भी लॉबी में वो वाला स्किन दिखता था, वो अभी नहीं दिखेगा एक्सपायर होने के बाद। तो गाइस मोर में आपने से तो कुछ और चीज़ ऐड किया जो कि इमोट कैन नाउ बी डिसमेंटल। तो अभी इमोट्स भी डिसमेंटल होगा, अगर आपको एक से ज़्यादा इमोट मिलेगा तो जैसे आपका कपड़ा में होता है वेपन स्किन होता है डिसमेंटल, वैसे आप इमोट्स भी अभी कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ लिखा हुआ, परचेज यूसी टू गेट रिवॉर्ड एंड डिस्काउंट इन रेयर फायर आर्म आइटम। तो यूसी खरीदेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड वर्ड मिलेगा एक्स्ट्रा, और आप फायर आर्म मतलब कोई भी गन वेपन स्किन और सब करेंगे तो डिस्काउंट उस्काउंट मिलेगा, तो आपको पता है जब ये आएगा। तो ये था ऑफिशियल पैच नोट। अभी मैं आपको कुछ लिक्स दिखाने वाला हूँ और वो लिक्स को आप फॉलो करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ आने वाला। कुछ कुछ जो आउटफिट में ओवरऑल लिक्स दिखाया था उसका गेम प्ले तब अवेलेबल नहीं था, अभी मैं उसका गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। जितना भी आप चीज़ देखेंगे वो कल आपका रॉयल पास में आ जाएगा 7:30 बजे सुबह को। सो गाइस सबसे पहले चीज़ आप देख पा रहे हैं ड्रैकुला चैंपियन सेट का आपका कंप्लीट आउटफिट दिख रहा, तो आउटफिट आप देख पा रहे हैं, हैट देख पा रहे हैं और इवन मास्क भी देख पा रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो जो आउटफिट है वो मिथिक आइटम होने वाला है, जो हैट है वो लेजेंडरी होने वाला है और इवन जो मास्क है वो भी लेजेंडरी होने वाला है। सो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ आप देख पा रहे हैं ऑब्जर्वर सेट, तो ऑब्जर्वर सेट का आपको पता होगा आरपी नंबर 1 में मिलेगा। जैसे आप रॉयल पास अनलॉक करेंगे तो आपको लेवल 1 में ये वाला ऑब्जर्वर सेट आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ लेवल 10 के अंदर ये मास्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ और लिक्स जो कि आपको मार्क्स नहीं देखा था लिक्स में, तो आप अभी देख लीजिए ये कल आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीएसएस का स्किन लीक होकर आ रहा है जो कि काफी अच्छा है, और ये इधर आप देख सकते हैं 9 लिखा हुआ, तो शायद ये रॉयल पास में कल आपको देखने को मिलेगा, तो ये कल जब आएगा पता चल जाएगा। तो ये काफी अच्छा चीज है और बहुत लोग के पास वीएसएस का स्किन नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक ही वीएसएस का स्किन आया था जो कि पिंक वाला, वो क्रेट में आया था। अगर ये रॉयल पास में आ गया तो बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि वीएसएस का स्किन 80% से लेकर 90% तक लोगों के पास नहीं है, तो ये बहुत अच्छा चीज होगा अगर ये कल आ जाएगा। तो ये है वीएसएस का स्किन, आप देख पा रहे हैं, तो इसका आप थोड़ा लुक भी देख लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आप देख पा रहे हैं परचेज बोनस। परचेज बोनस ये होता है कि हर एक सीजन आपका पता होगा, जैसे कोई नया सीजन आता है तो आपको एक गन स्किन मिलता है 180 यूसी का, और बाकी जैसे आप यूसी अकाउंट में डालते हैं तो आपको एक आउटफिट मिलता है, एक पैंट मिलता है या हेलमेट मिलता है, वो देखे होंगे। तो सीजन 8 का था M16, तो आपको सीजन 9 का आपको देखने को मिला क्यूबीजी का एक स्किन जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये लीक होकर आया, ये आपको कल देखने को मिलेगा जैसे आपका रॉयल पास खुल जाएगा। तो इसका नाम है वैम्पायर क्यूबीजी। तो अगर आपको क्यूबीजी का स्किन चाहिए था तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास भी क्यूजी का स्किन नहीं है तो और आपको सैनॉक खेलना बहुत पसंद है तो यह बेहतरीन सा स्किन आपके लिए, आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइस ये था कुछ लिख मैं बता दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो रॉयल पास आने वाला है उसमें जो जो आउटफिट उसका गेम प्ले, तो आप इंजॉय कीजिए, मेरा काम इतना ही था। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं, चैनल पर नया अगर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दिए, उससे होगा मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Say goodbye or ever leave this stuff behind when it's good.